ये शमशान घाट है जहाँ से मैं चल रहा हूँ अभी। और ये पत्थर भी ना बहुत ज़्यादा फिसलन कर रहे हैं यार, पैर ना कभी भी स्लिड हो सकते हैं यहाँ पे। स्वागत है आपका एक नई और कैंपिंग वीडियो में। तो गाइस आज की कैंपिंग हो रही है हमारी नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट है यहाँ पे। एक जैसे कि आपने देखा मैंने नदी क्रॉस करी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उसको क्रॉस करना और इतना हैवी सामान लेके, वो भी मेरे लिए तो बहुत टफ था। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है बहुत दिनों बाद, तो ऐसा क्यों? मेरे जो पीछे वाला ब्लॉग था उसमें मुझे ना मोच लगी थी पैर में, मेरे पैर की हालत यार ख़राब थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने 7 दिनों का रेस्ट दिया था, तो इस कारण मुझे कैंपिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी लोकेशन, बहुत ही प्यारी लोकेशन है गाइस। यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात इस जगह की ये है, देख लो आप, ये देखो देवदार के पेड़ एक बराबर लगे हुए हैं सारे के सारे यहाँ से ना चारों तरफ से। तो थोड़ी सी सख्त जगह होनी चाहिए हमारे को टेंट पिच करने के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये जगह ऐसी है नदी के किनारे ही हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे हवा भी बहुत चलती है। बारिश अगर हो जाए तो क्या होगा कि नदी का बहाव ना तेज़ हो जाएगा, और जिस तरीके से मैंने नदी क्रॉस करी है उस तरीके से तो थोड़ा सा नदी का बहाव भी ज़्यादा हो जाए तो मुझे नदी क्रॉस कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना ही आए तो अच्छा है। टेंट मैंने पिच कर लिया है, पसीना देख सकते हो आप, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम ना, हवा यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, मतलब ये समझ लो आप बिल्कुल है ही नहीं। और गर्मी आजकल का मौसम ऐसा होता है, आपको पता ही होगा बरसात आने से पहले का जो मौसम होता है वो किस तरीके का होता है। क्या होता है कि ना ये घास जो होता है ना ये गर्म हो जाता है, और क्या होता है कि गर्म हवा चलती है। हालांकि मैं नदी के किनारे ही हूँ, यहाँ पे हवा भी बहुत होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो टेंट रेडी है, और इसके पीछे का व्यू भी आप देख सकते हो गाइस कितना प्यारा आ रहा है, मतलब ऑसम। ऐसी प्यारी सी लोकेशन में मैं आज कैंपिंग करने जा रहा हूँ कि क्या ही बताएं। आप चारों तरफ देख सकते हो, मैं आपको नदी की ओर ले जा रहा हूँ। आपको नदी भी बता देता हूँ यहाँ की, जो कि हमारी जीवनी खड्ड बहती है यहाँ पे। तो नदी का बहाव भी आजकल थोड़ा सा कम है, वैसे बहुत ख़तरनाक नदी आती है यार ये। आजकल 5-10 दिन हो चुके हैं ना बारिश नहीं आई है ना, क्योंकि तब जाके थोड़ा सा पानी का बहाव थोड़ा सा कम हो रखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी ले आने, पानी के लिए हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे ठंडा पानी मिलता है चिल्ड वाटर, वहाँ से ले आएंगे हम। और हम सब्ज़ी सब्जी भी ऊपर से ही ले आएंगे, रात को पकाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है अभी। तो मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, साथ में मैं पानी भी ले आऊँगा और सब्जियाँ सब्जियाँ जो कुछ भी लगेगा खाने के लिए वो सारा सामान मैं लेके आऊँगा ऊपर से। जैसे कि आप देख रहे हो ना ये जगह, ये शमशान घाट है। जैसे आप लकड़ी देख सकते हो, यहाँ पे ना मुर्दा इंसानों को जलाया जाता है,
जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जलाते हैं इस पेड़ पे। हाल देख सकते हो आप यार कैसा हो रखा है ये। और ना मैं यहीं पे कैंपिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा टेंट बीच में। ये आप लकड़ियाँ देख सकते हो, काटी हुई लकड़ियाँ हैं यहाँ पे। अभी अभी पीछे डेथ हुई थी तो उसको यहाँ पे जलाया है। तो यार वैसे इतना डर तो मुझे होता नहीं और मैं डरता भी नहीं हूँ, ऐसी वैसी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा डर रह ही जाता है इंसान के दिल में। तो ये भी एक बात है, तो देखते हैं यार शाम को क्या होगा। लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं कि मशेकड़ी, मशेकड़ी यहाँ पे घूमती रहती है, मशेकड़ी कहते हैं। तो मशेकड़ी क्या होता है कि एक स्केल्टन होता है, कंकाल होता है पूरा, और वो कई बंदों को मिल चुका है। मतलब वो ना यहाँ पे कंकाल घूमता रहता है यहाँ पे रात को, और मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। ये जस्ट लाइक आप चैलेंज ही समझ लो, मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है। तो देखते हैं यार रात को क्या क्या होने वाला है, मैं आज अकेला ही हूँ, अभी कोई पता नहीं, मेरे साथ शायद आ भी सकता है कोई, मिल जाते हैं मुझे यार दोस्त तो वो आ जाते मेरे साथ। तो अभी तो मैं अकेला ही हूँ और मैं रात अकेली यहाँ पे बिताने वाला हूँ, और सब्जी सब्जियाँ भी काटनी पड़ेगी, बहुत कुछ सामान करना पड़ेगा रात को रेंस। तो ये सारी बातें, तो देखते हैं गाइस रात को क्या क्या होगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। रात बहुत हो चुकी है, तो अभी मैं ऊपर गया था मार्केट वाली साइड को सब्जी सब्जी लाने, तो वहाँ पे वॉलीबॉल का मैच लगा हुआ था, तो थोड़ी देर से वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो फिर आए हैं खेल के। तो अभी रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ है अपने कज़न ब्रदर संजू भाई, जो कि यहाँ पे निकाल रहे हैं लकड़ी, लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि आग जलानी पड़ेगी, यहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इनसे बचने के लिए थोड़ा सा धुआँ ज़रूरी है। तो फिलहाल हम कर लेते हैं लकड़ी का जुगाड़। तो कैसे अभी हो रहा है सब्जी काटने का काम, तो ये देख सकते हैं आप, हम मिक्स वेज बना रहे हैं। ये गोभी काट दी है और शिमला मिर्च भी काट दी है, अभी हल्की सी शिमला मिर्च काट दी है, एक दो और काटेंगे, और उसके बाद गाजर भी ले आऊँ मैं, तो गाजर भी काटेंगे, तीन चार चीज़ें हम मिक्स करेंगे। तो गाइस अभी बारिश आ रही है यार, हम बाहर ही बना रहे थे खाना, तो ना अभी हमको सारा कुछ अंदर ले जाना पड़ रहा है। अभी तो हल्की हल्की सी बारिश है, पर लग रहा है, हमने पता करा था कि नीचे वाले साइड को यहाँ से कोई 10 किलोमीटर नीचे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, तो इसलिए हम ना अंदर खाते हैं सामान सारा कुछ जितना भी कर रहे हैं। अब सब्जी का काम कर रहे थे हम, सब्जी बना रहे थे, मिक्स वेज बन रही है हमारी, तो अभी सारा काम अंदर ही होगा। अभी हल्की हल्की सी बारिश है, थोड़ा थोड़ा भीग भी गए हम, तो आप साउंड सुन सकते हो बाहर का। बारिश में कैंपिंग करने का भी एक अलग मज़ा है, जो बारिश का साउंड होता है वो भी एक अलग फील देता है। बड़ा अभी हम सब्जी बना रहे थे ना, तो सारा सामान हमने अंदर ले आया है, तो अभी हम अंदर ही करेंगे सारा काम। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे शमशान घाट है, तो हम ना शमशान घाट के पास जा रहे हैं,
देखने रात को। हाँ, बाइक चप्पल के साथ आएगा तो आराम से जा सकते हैं यहाँ से, बट मेरा जाना यहाँ से मुश्किल होगा। भाई जाओ आप, मैं आता हूँ नीचे से। ठीक है, इधर देखो गाइस, ये शमशान घाट है जहाँ से मैं चल रहा हूँ अभी। तो गाइस शमशान घाट में पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ से ना हमको पार करनी है, नदी पार करनी है हमको यहाँ से। और नदी का बहाव भी ज़्यादा हो चुका है यार, क्योंकि बारिश हुई है अभी अभी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए ये टास्क। देखते हैं, और ये पत्थर भी ना बहुत ज़्यादा फिसलन कर रहे हैं यार, पैर ना कभी भी स्लिड हो सकते हैं यहाँ पे, सीरियसली। यहाँ से वहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ से तो नदी के अंदर ही पैर रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा जलने देना है ना, स्मेल नहीं आती है इसमें, झारा नहीं देते हैं ऊपर को ना कभी। ये जो भाई ने डाले हैं ऊपर से, जो भी ये पूरे पूरे डाले हैं, तो अभी क्या करेंगे, इनके छिलके उतारेंगे भाई। ये जो बार बार जो है ना, हाँ ये और भी होता है। यस, ये जो इसको निकालेंगे तो स्टफ होता है, इसको हाँ। निकालेंगे उसके बाद इसको घोटा मारेंगे हल्का सा, तो ये हानिकारक होता है हमारे लिए, मतलब बार बार जैसे हमारी स्टोन जैसी ये होती है, इसको पैदा करती है। ओ यार, बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, उसके लिए चाहिए हार्मफुल होती है, खास करके स्टोन की प्रॉब्लम होती है, इसको निकालने से बिल्कुल ओके हो जाता है। बहुत सही लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आउटडोर कुकिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा है, और इसको ना हम बहुत प्यार से बनाते हैं हमेशा। अभी खाना जो पक रहा है ना, इसको ना थोड़ी हल्की स्विम में अगर ये पके तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है, तो अभी हम इसको धीमे से सिम डाउन कर रहे हैं इसकी।
तो गैस अभी मैं सोच रहा हूँ ब्रेड पकौड़ा बनाने का, बट ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ना मेरे पास तेल, ये आप देख सकते हो इतना सा ही है, क्या इससे बन पाएगा? फिर मैं इसको भी मिक्स कर दूंगा इसमें, जो कि मस्टर्ड ऑयल है और ये तो रिफाइंड है, थोड़ा सा घी भी है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इकट्ठा करके ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर जाके पूरा ब्रेड पकौड़ा बनेगा। देखते हैं, सबसे पहले तो मैं बेसन मिक्स कर लेता हूँ, आई थिंक बन ही जाएगा इससे यार। ये बन रहा हो रहा है हमारा प्यार ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड के ऊपर मैंने बेसन का लेप लगा दिया है, जिससे कि आपने देखा होगा मैंने इसमें क्या क्या डाला। थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और शुगर तेल काफ़ी है यार। मतलब मैं ना ये सोचा था कि तेल कम है, बन जाएंगे दो तीन तो बढ़िया से पेड़ बढ़ जाएगा। तो ब्रेड पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हो। टेस्टी बना भाई, टेस्टी बना, टेस्टी बना है, सही है। मुझे पहली बार बना रहा हूँ मैं जिंदगी में ब्रेड पकौड़ा, सेम स्वाद आ रहा है जैसे कि मैंने मार्केट में खाया हुआ है, वैसा ही स्वाद है, सेम एज नाइस। ये वाला बैड वार्ड ना मैं कंची बनाया हुआ है, ब्रो आप भी मेरे साथ कैंपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हो। पर कैसे, मैं ये समझ रहा हूँ कि कैसे मैं आप लोगों को भी कैंपिंग में ले आऊं। एक तो बात होगी कमेंट की, आप कमेंट में ना यस लिख देना जो जो मेरे साथ कैंपिंग करना चाहते हैं। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा कैसे कैसे करके। सेलेक्ट करने का तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं, किसको कौन विनर होगा। जस्ट लाइक गिव अवे, खाना पीना फ्री मेरी तरफ से, आप बस कैंपिंग करेंगे मेरे साथ, फ्री के आएंगे आप और नेचर का मज़ा लेने आएंगे आप, बाकी सारा चीज़ें मैं करूँगा, और आराम करने आएंगे आप, सारी चीज़ें मैं करूँगा, सब कुछ अरेंज मैं करूँगा, खाना मैं बनाऊँगा, एवरीथिंग सब कुछ मैं ही करूँगा, बस आप मज़े लेंगे। तो कमेंट में सभी लोग यस कर देना, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ गिव अवे करूँगा मैं, किसी को एक को सेलेक्ट करूँगा मैं उसमें से, और मेरे साथ कैंपिंग का लुत्फ़ उठा सकता है वो भाई। तो फिलहाल के लिए यार मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा लेता हूँ। तो गैस अभी बन रहा है हमारा, चाय बन रही है, इवनिंग का टाइम है और इस टाइम चाय पीने का मन हो रहा है। पूरा दिन मैं ना यहाँ पे कभी यहाँ पे बैठा, कभी वहाँ पे बैठा, इधर ही घूम रहा था मैं, कभी इधर बैठ रहा उधर बैठ रहा, अकेले में ना फ़ोन यूज़ करा मैंने, तो फ़ोन मैं अभी यूज़ कर रहा था तो मेरे को ना कोई 15 मिस कॉलें आ चुकी थी, कोई घर से कोई कहाँ से। तो अभी तो फ़िलहाल चाय बन रही है।
Cheers! यहाँ पे एक लोकल बंदा जुड़ गया मेरे साथ, क्या था कि यहाँ पे नहाते हैं तो यहाँ पे मैं सुबह भी नहा चुका हूँ, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है वैसे, कल का से गहरा पानी है। और ये देखो मैट्रेस लाई है मैंने, एक्सपेरिमेंट कर लिया आज पहली बार मैंने कि ये डूबेगा या नहीं डूबेगा, बट ये नहीं डूबा। और चाय का मज़ा ले रहे हैं हम अंडर वाटर, वाह व्हाट एन फीलिंग ब्रो, जस्ट कूल नेचर, बहुत ज़्यादा प्यारा नेचर है यहाँ का। और नदी, पानी यार, हवा, अग्नि, जल, प्रकाश, सारी चीज़ें यहाँ पे। Cheers. सीधा पंडो हो पहुँच गया अगर यहाँ पे सामान की पैकिंग कर रहा था, तो यार यहाँ से मैंने सामान उठाया ना और नीचे मुझे इसका मुंह दिखाई दिया, पता नहीं क्या है यार, सांप सूम भी तो नहीं, डरा दिया इसने। ये देखो कैसा बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो कैसे, अभी मैंने बैग पैक कर लिया है, अब बसता है तो टेंट बसता है, अब निकलने की तैयारी हो रही है क्योंकि, बट अभी ना मैं ऊपर जाऊँगा मार्केट वाली साइड में और वहाँ पर ना वॉलीबॉल का मैच लगा हुआ होगा, बंदे कॉल कर रहे हैं मैं को ऊपर, तो वहाँ पे मैच मुझ खेलेंगे हम वॉलीबॉल का, और उसके बाद आएंगे शाम को, फिर उसको पैक करेंगे और उसके बाद रवाना होंगे घर की तरफ। तो गाइस अभी टाइम 7:30 हो चुके हैं और मैं अभी अभी ऊपर से आया हूँ वॉलीबॉल खेल के, तो अभी ना ये टेंट वेंट क्लोज करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सपोर्ट करो यार अपने भाई को। तो अभी मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रही यार रीच, ना ही सब्सक्राइबर आ रहे इतने, तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।